हेलो, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट के आगे का सीरीज़ क्या है? अभी तक हमने जो डायपोल मोमेंट देखा था सिर्फ बॉन्ड बॉन्ड में देखे थे। अब क्या देखेंगे हम लोग? डायपोल मोमेंट ड्यू टू द लोन पेयर। जब डायपोल मोमेंट लोन पेयर की वजह से होता है उसको क्या बोल देते हैं? लोन पेयर मोमेंट। क्या बोल देते हैं उसको? लोन पेयर मोमेंट। नोट करते रहना है। और जो लोन पेयर का मोमेंट है उसका डायरेक्शन कहाँ होगा? टूवर्ड्स द लोन पेयर। हमने क्या देखा था? हमेशा इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा। जो लोन पेयर है वो खुद ही इलेक्ट्रॉन है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? उसी की तरफ। बस एक टर्म दे देंगे उसको, लोन पेयर मोमेंट। अगर नहीं भी बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल देंगे डायपोल मोमेंट का, सॉरी लोन पेयर का जो डायपोल मोमेंट है उसी की तरफ है। नाम भी दें या नहीं दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन आपको डायरेक्शन सही लिखना है। अब वो कितना मैग्नीट्यूड को विड्रॉ करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, वो हम लोग देख के नहीं बता कर सकते, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। ओके, स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं SO2। सबसे पहले जो भी नाम दिखेगा कंपाउंड का, तो क्या बनाएंगे? उसका करेक्ट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सही होगा तभी पता कर पाएंगे कि उसका कितना डायपोल मोमेंट है। कितना तो नहीं कि उसका डायपोल मोमेंट जीरो है या नॉन जीरो है, कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है। सल्फर के कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6। आउट ऑफ 6 दो ऑक्सीजन से बन गया, ये बन गया लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे और लोन पेयर काउंट करेंगे, कितना सिग्मा बॉन्ड है? 2। लोन पेयर 1। समेशन 3 का मतलब sp2। ट्रैगोनल प्लेनर, सल्फर को बोलो ट्रैगोनल प्लेनर वाला पोजिशन को रेडी करें। अभी क्या हुआ? यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, एक जगह पर लोन पेयर। डायरेक्शन क्या होगा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका इधर, इसका इधर, लोन पेयर का इस डायरेक्शन में। अब क्या होगा? सब सिमेट्रिकल नहीं है, कंपाउंड कैसा है? नॉन सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल। अगर इसका शेप की बात की जाए, लोन पेयर दिखाई नहीं देता, कैसा शेप हो जाएगा? ये ऐसा बेंट, कैसा शेप? बेंट शेप। लोन पेयर एक है तो म्यू नेट क्या होगा? नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या हुआ? ये कंपाउंड पोलर है, पोलर कंपाउंड। तो लोन पेयर की वजह से भी बिल्कुल सिमिलर ही वैसा निकालेंगे जैसा हम पहले कर रहे थे, बस क्या बोल देंगे इसको? लोन पेयर की तरफ ही लेना है हमें। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग, XeF4। पहले आप लोग ट्राई करें, कैसे ट्राई करेंगे? ज़िनॉन, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? नोबल गैस है, 8। 8 में से 4 ने बनाया सिग्मा बॉन्ड, कितने बच गए? 2 लोन पेयर। समेशन कितना आएगा? 4 सिग्मा लोन पेयर 2। स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करने से प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ होता है। चलो sp3d2, तो पोजिशन क्या होगा? ज़िनॉन, 2 लोन पेयर है। अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड VSEPR, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, लोन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होता है, उनको हम पास पास नहीं रख सकते, दूर दूर रखेंगे, एक इधर एक ऊपर है तो एक नीचे, मतलब 180 डिग्री। इसका अगर देखें डायपोल मोमेंट, फ्लोरीन ने यहाँ खींचा, ये पूरा स्क्वायर जैसा है, ये पूरा सिमेट्रिकल है, स्क्वायर का स्क्वायर से कैंसिल हो गया, लोन पेयर ऊपर, ये लोन पेयर नीचे, तो नेट क्या हो जाएगा? 0। वेरी गुड। इसका अगर म्यू 1 है, सब फ्लोरीन है, तो सबका क्या होगा? म्यू 1 ही रहेगा। और इसका लोन पेयर हमें नहीं पता, हमने डिटरमाइन कर लिया, मान लेते हैं म्यू 2 है। क्या है ये? म्यू 2। म्यू 2 को क्या कहेंगे? म्यू 2 भी बोल सकते हैं, लोन पेयर भी बोल सकते हैं। ऊपर वाला इससे कैंसिल, नेट दिख रहा है ना, सिमेट्रिकल है, पूरा कैंसिल हो गया, तो म्यू नेट क्या बोलेंगे इसको? 0। तो कंपाउंड कैसा है? नॉन पोलर। फेमस क्वेश्चन ट्राई करेंगे, विच इज़ मोर पोलर, दोनों में से कौन ज़्यादा पोलर है? कौन है वो दो पता करें? NH3 और NF3। डायरेक्ट अगर आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को देख के सिंपल अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे, और नाइट्रोजन और फ्लोरीन को देख के सिंपल कि 3 फ्लोरीन है नाइट्रोजन का, ऐसा बना दिया, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा? गलत। ये स्टेप कैसा है? रॉन्ग।
हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्री बनेगी उससे निकालना है शेप। तो NH3 नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ 5 3 ने बॉन्ड बनाया है, एक लोन पेयर है। तो कैसा इसका शेप दिखेगा? पिरामिडल। इसलिए सबको सिक्वेंस वाइज पढ़ते चलेंगे, सॉल्व हो जाएगा। NF3 हाइड्रोजन की जगह लगा देंगे 3 फ्लोरीन। अब काउंट करें इसमें, काउंट नहीं सॉरी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से कौन इलेक्ट्रो नेगेटिव है? नाइट्रोजन, तो ये उधर की साइड, और लोन पेयर अपनी तरफ खींचेगा। तो सब क्या दिख रहे हैं? ऊपर जाते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। इन सब का क्या हो जाएगा? ऐड। फ्लोरीन के केस में फ्लोरीन नीचे अपनी तरफ खींच रहा है और ये ऊपर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। तो हमें नहीं पता कि कैंसिल होगा या नहीं कैंसिल होगा, बस रिलेशन बताना है कि किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। इसको अगर मैं बोल रही हूँ μ1 केस, इसका μ2 नेट, तो μ1 इज ग्रेटर देन μ2, मतलब NH3 इज मोर पोलर देन NF3। रीज़न, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, लोन पेयर अपनी तरफ, तो क्या होंगे? थोड़ा बहुत कैंसिल होता जाएगा, नेट का नहीं पता पर ये कैंसिल होगा। नेट आपको निकालना भी नहीं है, हमसे जितना ज़्यादा नॉलेज है उतना ही करेंगे। अब आ जाते हैं विच इज़ मोर पोलर, अब किस किस में? H2O एंड F2O स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन का ऐसा होगा, दो लोन पेयर, और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे फ्लोरीन, बिल्कुल सेम पैटर्न पे ही सॉल्व करेंगे। ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, लोन पेयर ऊपर अपनी तरफ, तो नेट क्या हो जाएगा? सब ऊपर ऐड होता जा रहा है। इस केस में फ्लोरीन अलग का डायरेक्शन, कुछ ये ऊपर। वेक्टर क्वांटिटी से पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस हमें आइडिया लगाना है। तो कौन ज़्यादा हो गया? ये वाला। तो विच इज़ मोर पोलर, म्यू नेट ऑफ H2O इज मोर देन म्यू नेट ऑफ OF2 या F2O, जो भी। बाद में देखेंगे कि कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, अभी हम डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। तो क्या आया? H2O इज मोर पोलर देन F2O, क्लियर? इसी पे थोड़ा सा और कंसेप्ट देख लेते हैं। ये वाला आपको याद ही रखना है, नोट डाल के, CH3Cl, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, सॉरी 3 हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 1 हाइड्रोजन, और इसमें एक भी नहीं। हाइड्रोजन के नंबर इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट बढ़ता जा रहा है। इसका कुछ ज़्यादा रीज़न नहीं कर सकते, ना ही एंगल से, क्योंकि ये टेट्राहेड्रली है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? जैसे मैंने याद किया, आप लोग भी याद कर लेंगे। डाइपोल मोमेंट इस केस में कैसे बढ़ रहा है? बढ़ रहा है जब हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत फेमस नहीं बोल सकते, एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज, हाइड्रोजन बढ़ाते जाओ। और इसके केस में, अब ऐसा मत करना है किसी और में भी हाइड्रोजन बढ़ गए तो बोलोगे कि वहाँ पे बोला गया था, नहीं, ये इसी के केस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो सब डिस्कस कर रहे हैं। 1 2, अब डाइपोल मोमेंट होता क्या है याद करें, फर्स्ट लेक्चर, डेल इंटू एल, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, जितना सेपरेशन हो रहा है और कितना उनके बीच में डिस्टेंस है। जब दो के बीच में, ये ए है ये बी है, ए के बीच में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हुआ, तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ये ज़्यादा खींचेगा, मान लो ये ज़्यादा है ये बहुत कम है, तो विड्रॉ किया, तो डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा, म्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। ये एक केस। दूसरा केस,
लेंथ पे भी डिपेंड कर सकता है। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ मतलब डी, यहाँ पे हमने एल लिया है तो एल ही रखते हैं, एक ही कन्वेंशन, एल अगर बढ़ा तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो देखना पड़ेगा कि कब कौन डोमिनेट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें थियोरेटिकल है, सॉरी ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट से मिला है, बुक में लिख दिया गया है, तो उस पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस हमको याद करना है, गिने चुने दो तीन एग्जांपल्स होते हैं वही रिपीट होते हैं, तो आपको उदास नहीं होना है कि उसे हमें याद रखना है। अच्छी बात है ना, याद रख लिया वही क्वेश्चन आ गया, टिक कर दिया, सेव हो गया टाइम, ना ही कुछ कैलकुलेशन करना है, ना ही कुछ ज़्यादा सोचना है। लिखे हैं उसका एग्जाम्पल, सी एफ एंड ये सी सी एल, इसका अगर डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर निकालना है तो इस केस में फ्लोरीन ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका ज़्यादा है, डिफरेंस फ्लोरीन वाले केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है। अगर लेंथ की बात करें, टॉप टू बॉटम फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, ऊपर से नीचे जाएंगे साइज इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगा, एल वन और एल टू में से कौन ज़्यादा है, लेंथ एल टू का ज़्यादा है, और कौन डोमिनेट कर गया इस केस में, लेंथ। यही केस है, घबराना नहीं है, इसको याद रखना, इग्नोर नहीं करना। एनसीईआरटी 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कॉलम बना हुआ है और बार बार क्वेश्चन यही आते हैं, तो ध्यान रखना है, इसको याद रखना है। किसका ज़्यादा हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, म्यू नेट, जिसका लेंथ ज़्यादा है क्योंकि लेंथ वाला डोमिनेट कर गया। आप पूछेंगे हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चलाना ही नहीं है, हमें बता दिया गया है, हमें याद रख लेना है। बताओ सी एस थ्री एफ एन सी एस थ्री सी एल, किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है, क्लोरीन का। इसमें कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर गया, बॉन्ड लेंथ फैक्टर डोमिनेट्स। ओके कब है, जब कार्बन के साथ है तब, इसलिए दूसरा केस भी साथ ही लिख लेते हैं। दूसरा केस क्या है, हाइड्रोजन के साथ है, एच एफ एन एच सी एल, अब इसमें म्यू का ऑर्डर निकालना है, किसका ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्लोरीन कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन जीता, लेंथ में बॉन्ड लेंथ में कौन जीत जाएगा, क्लोरीन, पर कौन डोमिनेट करेगा इसमें, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा, तो म्यू किसका ज़्यादा हुआ, HCl का। तो ये दो एग्जांपल है, इसको अच्छे से देखना है, देख लो कार्बन के साथ है तो क्लोरीन वाले को टिक कर देना है, हाइड्रोजन के साथ है तो फ्लोरीन वाले को, इतना प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्लास में बेंजीन डेरिवेटिव देखेंगे, जब बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड है तो उस केस में कैसा डाइपोल मोमेंट होगा। थैंक यू।